नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त देश के केंद्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। अब आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है। नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए पूरे तौर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी तैयार है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में उतर आई है। लेकिन दूसरी ही तरफ है यहाँ पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। सभी पार्टियां यहाँ पर यही दावा कर रही हैं कि उनकी पार्टी पूरे ही दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर टिकट बांटने को लेकर तमाम बड़े बड़े फैसले हर एक दल की तरफ से लिए जा रहे हैं। लेकिन इससे हटकर यहाँ पर बात गठबंधन को लेकर भी हो रही है, चाहे ये गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ हो। बात यहाँ पर अगर की जाए कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं पहल देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। भ्रष्टाचार को खत्म रखने के लिए यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा रखी गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजधानी दिल्ली में है और जल्द ही 3 जनवरी के दिन वह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। 4 दिनों तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश में चलेगी और इस यात्रा में कांग्रेस से महासचिव, यूपी से प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। नगर निकाय चुनाव पर भी प्रियंका का फोकस है और ऐसे में देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, तो वहीं बीजेपी दल को भी आमंत्रण भेज दिया गया है। वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार कौन राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकता है, क्योंकि साल 2017 में सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन रहा। लेकिन इस बार क्या सपा यहाँ पर पहल करने में यहाँ पर कोई कदम उठाएगी, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से कहीं ना कहीं पहल देखी जा रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए ओपी राजभर के बारे में, तो ओपी राजभर शायद इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही उन्होंने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। ओपी राजभर के बयान की तरफ गौर किया जाए तो ओपी राजभर ने अपने बयान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने तारीफ की और उन्होंने इशारा दे दिया कि वह राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से वह प्रभावित हैं। आने वाले चुनाव में राजनीतिक संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि कोई कहीं भी जा सकता है। अब देखा जाए तो इस यात्रा से यहां पर सभी को जोड़ने के लिए इन्विटेशन भी भेज दिए गए हैं। आपको बताते चले कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के 3 जिलों में 4 दिनों तक चलेगी और 110 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगी। ऐसे में देखा जाए तो यूपी में ये यात्रा गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से प्रवेश करेगी और इसके बाद 4 जनवरी को बागपत, 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को ये यात्रा कैरेना से होते हुए हरियाणा के सोनीपत जिले में प्रवेश कर जाएगी। इस यात्रा के लिए यहाँ पर कुछ अहम रणनीतियां भी बनाई गई हैं। जातियों और पिछड़ी जातियों पर ध्यान देना यहाँ पर कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर राहुल गांधी के समर्थन में उतर सकते हैं, इस यात्रा में वह शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ओपी राजभर ने यहाँ पर यहाँ पर बसपा से जुड़ने के भी दे दिए हैं, क्योंकि मायावती से उनकी फोन पर बातचीत होती रहती है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव अगर पहल करेंगे तो अखिलेश से वह मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर वाकई में ऐसा होता है तो यहाँ पर ओपी राजभर की पार्टी का गठबंधन या तो यहाँ पर सपा के साथ देखने को मिल सकता है या फिर बसपा के साथ। लेकिन राहुल गांधी की उन्होंने तारीफ की तो कांग्रेस की तरफ भी रुख देखने को मिल सकता है और बीजेपी की तरफ से उन्हें कई प्रस्ताव भी मिल चुके हैं और बीजेपी की तरफ भी उनका रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें जिम्मेदारियां भी दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ओपी राजभर आखिरकार किधर जाते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।